आप सभी को जय मसीह की। अब तक हमने परमेश्वर के भय के विषय में कई बातें देख चुके हैं और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर का भय आवश्यक है, जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है, किन कार्यों के लिए जरूरी है, उन बातों को हम अभी देखेंगे। तो चार मुख्य बातों को हम देखेंगे। पहली बात, यह आराधना के लिए आवश्यक है। हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर का भय रखें, भय माने। भजन संहिता 5:7 में लिखा है, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यदि हमारा परमेश्वर के प्रति भय नहीं है तो हम कलीसिया जाने से, प्रभु की आराधना करने से, इन तमाम बातों से परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं होगा, हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। दूसरी बात, यह सेवा के लिए आवश्यक है। जो परमेश्वर के लिए हम सेवा करते हैं उसके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर का डर हमें जरूरी है। भजन संहिता 2:11 में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए परमेश्वर की उपासना करो, यह दूसरी बात। तीसरी बात, यह पाप से हमारी रक्षा करने के लिए आवश्यक है। तीसरी बात में हम देखते हैं कि हमारे पाप से बचने के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें परमेश्वर का डर होना चाहिए। निर्गमन 20:20 में लिखा है, डरो मत क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। तो परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर से डरो मत, लेकिन परमेश्वर का भय अपने अंदर रखो जिससे कि हम परमेश्वर के विरोध में पाप ना करें, यही परमेश्वर चाहता है। तीसरी बात में हमने देखा। चौथी और आखिरी बात हमें यहां पर बताता है, यह अच्छे शासन के लिए आवश्यक है। जो हमारे ऊपर हमारे नेतागण या कोई भी व्यक्ति अगर शासन करता है तो परमेश्वर का डर उन व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। अगर परमेश्वर का डर नहीं है तो वो गलत तरीके से हमारे ऊपर शासन करेगा। दूसरी शमूएल 23:3 में लिखा है, मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। यह बात आजकल हम नहीं देखते हैं। परमेश्वर का डर और भय यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर है तो वो बढ़िया से परमेश्वर के राज्य को, प्रभु के लोगों को या दुनियावी लोगों को भी अच्छी तरीके से चलने में मदद और सहायता करेंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि परमेश्वर का डर मेरे अंदर है। यदि मैं सही तरीके से न्याय ना करूं तो मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के खिलाफ मैं काम कर रहा हूं। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति शासन के लिए खड़ा होता है तो वो क्या करता है, अपने जीवन में कसम खाता है कि मैं क्या करूंगा, निष्ठा के साथ और बिना लालच के साथ क्या करूंगा, परमेश्वर के कार्य में हाथ लगाते हुए पूरा करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा। तो इस तरीके से एक कसम खाया जाता है। तो परमेश्वर का भय जरूरी है, परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, आवश्यक है। इन बातों में हम चार मुख्य बातों को देख चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर का डर और भय अपने जीवन में रखते हैं तो वो अच्छी तरीके से कार्य को कर पाते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।